जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं मेरे कान्हा की दिनचर्या बताना चाह रही हूँ आपको। मैं सुबह उठाती हूँ उनको, मैं उनको जल्दी नहीं उठाती, उनको थोड़ा लेट उठाती हूँ, 7:30-8 के बीच में। भाई मेरे बच्चे भी तो लेट उठते हैं, तो ये भी मेरे बाल गोपाल हैं। फिर मैं उनको उठा करके दूध देती हूँ। लड्डू गोपाल को अच्छी तरह बेसन आटा और हल्दी का उपटन लगा के उनको नहलाती हूँ। 11 के दिन विशेष स्नान कराया जाता है, गंगा जल डाल के, पंचामृत डाल के। और डेली तो मैं ऐसे नहलाती हूँ, थोड़ा सा तुलसी का पत्ता भी डाल देती हूँ और अच्छे से नहलाती हूँ उनको। देखिए अच्छे से पोंछ करके इनको, और अब मैं इनको अच्छे से इनकी पोशाक पहनाऊँगी, इनका श्रृंगार करूँगी, इनका माला मुकुट, और इनको टीका जरूर लगाऊँगी, इनको नज़र ना लगे। देखिए इनकी पगड़ी मैचिंग की, कितने सुंदर लग रहे हैं। और इनको कांच में दिखाऊंगी, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। दिन के भोग में इनको दही तो अवश्य होता ही है मेरे खाने में, और इनके जो सब्जी या पराठा होता है वो नॉर्मल सिंपल होती है, उसमें प्याज लहसुन का भोग नहीं लगाती मैं। कोशिश करती हूँ इनका अलग से बनाऊँ मैं, और दीपक जलाती देखे देखेगा इस कितना अच्छा इनका प्रसाद बनाया मैंने। और इसमें खीर पराठा, कभी कभी शाम को जैसे अगर प्याज डालती हूँ तो इनके लिए सिंपल पराठा बनाती। देखिए अब मैं दिखा रही हूँ इनको टीवी, कितना खुश हो रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं। देखिए मेरे लड्डू गोपाल, ओहो देखिए कितना अच्छा लग रहा है इनको। कभी कभी कार्टून दिखाती हूँ, कभी गार्डन में ले जाती हूँ, कभी इनको राधा रानी का नाम स्मरण कराती हूँ, और बहुत खुश हो जाते हैं ये। और बस हमारे घर का माहौल भी इतना पॉजिटिव हो जाता है, इतना अच्छा लगता है, बस खुशियों भरा माहौल। और कभी लेट हो जाती हूँ तो वैसे कान्हा जी के लिए शाम के टाइम में हल्का खाना ही बनाती हूँ उनको, अच्छी तरह चिया सीड, ड्राई फ्रूट, ये सारा भोग बना करके मैं पूजा के समय ही 7:15 के आसपास दे देती हूँ। बस उसके बाद भोग के बाद उनको सुला देती हूँ।